महेश जी शर्मा साहब, देगणा का विदाई जी, संत श्री, और मैं एक ही को नाम जानू को नहीं, मैं नहीं हूँ तो गौशगणा ने मंच पर बैठा ने मारी तरफ रामा श्यामा, सामने मारा बडेरा है उम्र में जखा ने मारी तरफ ढोक, मारी बहना ने राम राम, छोटी बच्चा ने शुभकामना, माता समान है जी ने मारी ढोक, और जवान बच्चा आयोड़ा है अटी ने जीवनी छेड़े बाने भी मारी तरफ रामा श्यामा लगूँ वो मैं कियो तो सावड़ियो बैठ जाओ। बहुत भावुक और मार्मिक क्षण है किसी शहीद की मूर्ति का अनावरण। एक क्षण के लिए सोचिए, वो हमारे परिवार का था, वो आपका पिता जैसा था, आपका भाई जैसा था, आपका बेटे जैसे था। ये सोचने के बाद आप सोचिए कि खड़े हो या बैठ जाएं। किसी भी क्षण को, किसी भी बात को जब अपने ऊपर लेते हैं, मैं नमन करता हूं शहीद को, प्रणाम करता हूं शहीद के माता पिता को, मैं प्रणाम करता हूं शहीद की धर्मपत्नी और उनके परिवार के बच्चों को। उम्र में चाहे कम है लेकिन प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनमें वो दम है जो किसी में नहीं। जब शहीद के बारे में बोला जाता है बहुत कुछ लंबा जोड़ा बोल दिया जाता है, इतना वक्त है कि मैं दो दिन भी बोलूं तो कम पड़ जाएगा, फिर भी मैं कुछ संक्षिप्त शब्दों में समझाऊंगा। जिंदगी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज अवर एम सर, व्हाट इज अवर एम लाइफ। आई एम नॉट ग्रेजुएट बट आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश सर। आई ट्राई मेनी टाइम टू ज्वाइन आर्मी बट देर वॉज हाफ इंच, आई वॉज नॉट फिट, सो आई एम हियर सिट। मैं फौज में भर्ती उबाना गयो, आधा इंच कम पड़ गयो, ऊंची एडी करूं तो नीचे नु खाली पड़ जावे, माँ तो ठीक रहे, लेकिन वो मिडी ठीक रहे तो माँ तो कम पड़ जावे। बे अफसर क्यों तू ऊंचो नीचो क्यों है? मैं क्यों, मैं तो हूँ तो फौज में जाबा तक हूँ ऊंचो नीचो, कौन बेटी तो कौन बेटी तजबीज। मैं आज कुछ को वक्त चाले भी पर संक्षिप्त में बोलूं, फौजियों के लिए मैं जब आर्मी की जब ये कभी कानवाई जाती है तो मैं ज्यादातर टोपी रहा क्या करूं, तो बे मैंने सलूट मारे, बे भी सोचे कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर कोई जनरल सिंह है। तो मैं संक्षिप्त में फौजियों के बारे में, शहीदों के बारे में यही कहूंगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ये वो भारत देश है मेरा। कमांडेंट साहब, देश आजाद हुआ तो किसी ने गाया था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वक्त बदला, आजादी आई, आजादी लाए, आजादी वालों ने क्या कहा, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलि देकर आजादी लाए। सोने की चिड़िया का क्या हुआ? जो अच्छे और सच्चे नेता थे उनको सलाम करता हूं कि सोने की चिड़िया की रक्षा की, और जो झूठे बेईमान खुदगर्ज नेता थे उस चिड़िया को चबा गए, हड्डियां तक चबा गए, चिड़िया के पंखड़ भी तोड़ दिए। ये हमारे देश के लिए अगर सौभाग्य है तो उनके लिए सलूट करता हूँ, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए, जिन्होंने अच्छी नौकरी और पद पर रहते हुए इस देश की सेवा की, मान सम्मान किया, ईमानदारी से सेवा की। हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, कश्ती ने अब तो तोड़ मरोड़ भी को बड़ी तो कर तपलिया बेटा। ईमानदार कर बेईमाना के बीच में मैं कहूं, अगर एक अच्छा और सच्चा नेता और अधिकारी है तो उससे बड़ा कोई साधु संत ऋषि मुनि भी नहीं है। गीतों में राजनीति पे हमने लिखते लिखते यहां तक कहा, जैसे मेरी बहने बेटी है, हिमालय की बुलंदों से सुना आवाज है आई, कहो माता से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई,
वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। देश में आजादी के बाद में जब फिल्में बनी तो एक से एक अच्छे देश के बारे में, फौजियों के बारे में, देश के शहीदों के बारे में लिखा गया था। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कमांडेंट साहब कहने को हम कुछ हंस रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिसका जवान बेटा शहीद हो गया। तेज गुण है हनुमान जी है। हेलो हेलो जी, हमारे बीच में इस वक्त राजस्थान के सभी युवा कदावर नेता बालाजन के इतिहासी किसानों के मसीहा युवा अर्ध सम्राट हनुमान बेनीवाल तशरीफ लेके आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। लंबी प्रतीक्षा के बाद झोकड़ियां खत्म हुई। हमारे बीच में इस वक्त राजस्थान के सबसे युवा कदावर नेता जनजन के ऐतिहासिक किसानों के मसीहा युवा हृदय सम्राट, आप सभी से गुजारिश है कि आप व्यस्त बने रखे हमारे बीच। नहीं, जब ये बीच में बोल रहा है तो हम नहीं बोलेंगे। संविधान दिवस पर आज पहली दो शहादत की पहली पुण्यतिथि बलिदान की। इस अवसर पर मैं इनके पुत्र हिमांशु, इनके पूरे परिवार को और शहीद स्मारक आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने शहीद की आदमकद भव्य मूर्ति का अनावरण करा के इनकी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने का काम किया। मेरी तरफ से सबको, पूरी ग्राम पंचायत सहित सबको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई। यहाँ आज जो शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके अंदर हमारे बीच उपस्थित नागौर के हमारे वरिष्ठ विधायक मोहनराम जी चौधरी, मकराना से रूपाराम जी मुरावकिया, डेगाना से भाई विजयपाल मिर्दा, भोपालगढ़ से हमारे पुखराज जी, मेड़ता से इंदिरा देवी जी, और राजेंद्र जी फिरोदा प्रधान जी, हमारे सबके जिनके प्रति बड़ी आस्था इस इलाके के अंदर, गरीबदास जी महाराज, सारे उपस्थित सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो भव्य कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे याद है पिछले साल जब मैं बाड़मेर के अंदर रैली कर रहा था, उस समय हुक्माराम जी ने देश सेवा के लिए बड़ी शहादत इन्होंने दी और मैं मेरा कार्यक्रम बीच में छोड़ के उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भी हुआ था और बहुत बड़ा जोश इस इलाके के अंदर था। आज शेखावाटी के बाद राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा शहादत अगर किसी इलाके ने दी है तो मारवाड़ के रणबांकुरों ने 62-65-71 की लड़ाई या कारगिल की लड़ाई के अंदर अपने प्राणों की बाजी लगा के भारत माता की रक्षा हंसते हंसते किए, इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारे समाज के भाई हुक्माराम ने जो बलिदान दिया, इन्होंने खुद के परिवार का ही नहीं समाज का नाम भी रोशन किया, किसानों का नाम रोशन किया और निश्चित रूप से देश सेवा के लिए बलिदान दे के
इतिहास के पन्नों के अंदर अमिट छाप इन्होंने छोड़ दी। हम सब गौरवान्वित थे। इस परिवार को जरूर एक बड़ी कमी हो गई, लेकिन मरना सबको एक दिन है। जो देश के लिए अमर शहीद हो जाए उससे अच्छी मौत किसी की नहीं होती, सबसे अच्छी मौत शहीद की होती है। मैं पुनः इस परिवार को इस बात की बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा शूरवीर पैदा किया जिसने समाज का नाम भी रोशन किया और देश के लिए साजिश की। ये हमारी जिस इलाके के अंदर मैं खड़ा हूँ, गोटन का इलाका, चाहे अंग्रेजों की लड़ाई हो और उसके बाद जागीरदारी प्रथा का खोप जब राजस्थान के अंदर था, जब जागीरदारों के गढ़ किलों के सामने से लोग निकलते नहीं थे, उस समय भी इस इलाके में हमेशा मजबूती के साथ किसान हितों के लिए लड़ाई लड़ी। ये इलाका लड़ाई के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और मैं तो 3-4-5 बार जब भी चुनाव लड़ा और मेरा परिवार लड़ा तो इस इलाके से आपने मुझे जोरदार समर्थन भी दिया। चुनाव के बाद क्योंकि मैं धन्यवाद देने के लिए आपको भी उपस्थित नहीं हो पाया, तो आज यहाँ जितने भी लोग सब लोग आए हैं और उन्होंने जो मदद की, आपकी मदद का ही परिणाम है कि तूफान के अंदर जब बड़े बड़े गाड़ियों के पहिए पंचर हो गए थे फिर भी आपने RLP को जिंदा रखा और यहाँ भी जिंदा रखा, मेड़ता के अंदर रखा, भोपालगढ़ के अंदर रखा और कई जगह आपने RLP की चिंता नहीं करके तेजा जी के भक्तों की चिंता करी, वो भी मैं यही मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम आपने किया। और ये 60 साल के अंदर शायद पहला मौका है कि नागौर की 100 की 100 सीट तेजा जी के भक्तों को मिल गई। आज तो वैसे और दो हमारे इंद्रन देवी जी और दूसरे जीते तो वो भी तेजा जी का जयकारा करते थे, 10 हो गई अपने खाते में। तो इसका धन्यवाद भी मैं उन युवाओं को दूंगा, मेरे जवानों को, जिन्होंने बूथ पे 9 बजे से लगा के 5 बजे तक एक एक मत डलवाया। मैं चुनाव के अंदर आपको भी नहीं आ पाया था, मैं राजस्थान का एकमात्र ऐसा नेता था जो दूसरों की चिंता कर रहा था और आपने मुझे कह दिया था हनुमान जी यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, ये वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती है, आप राजस्थान संभालो, हम आपको संभालेंगे। और मेरे भाइयों ने मुझे संभाला, मैं कभी विचलित नहीं हुआ, तरह तरह के अफवाहें भी चली चुनाव के टाइम, लेकिन आपने एक ही बात कही थी हमारे इलाके में तो चाहे आप हेलीकॉप्टर से उड़ के 2-3 बार आ जाओगे तो भी मान लेंगे, और आपने पूरा मान सम्मान रखा। प्रदेश के बड़े नेता जब सड़कों पर जो चीफ मिनिस्टर जो बने सारे लोग सड़कों पर अपने मोहल्लों में घूम रहे थे उस समय हनुमान बेनीवाल तेजा जी का जयकारा कभी भरतपुर कभी अलवर और कभी हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर लगा रहा था और अपने RLP के उन नए लोगों को विधानसभा में लाने का प्रयास कर रहा था। नई शुरुआत थी, नई सोच के साथ, नया मौका था, समय कम मिला, लेकिन हमारा कोई पार्टी बनने का मकसद भी नहीं था। हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख नौकरियां, मजबूत लोकपाल, इसको लेकर नागौर की धरती से एक आंदोलन की शुरुआत करी थी। जिस तरह भगत सिंह और तात्या टोपे ने आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत करी, उसी तरह तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की ऐसी हुंकार भरी कि भारतीय जनता पार्टी को तो बिठा दिया है, मोहनदीप रूपराम जी नाराज हो जाएंगे दोनों, इनको तो बिठा दिया और कांग्रेस को भी वेंटिलेटर में डाल दिया, सोपे रख दिया। अगर 150 आ जाते तो विपक्ष नहीं रहता, इस बार मजबूत विपक्ष है, चिंता मत करो, अगर सत्ता पक्ष काम नहीं करेगा तो हम जंग लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर लड़ेंगे। ये हमारी हुंकार का, आपकी हुंकार का परिणाम है कि अब जो मंत्रिमंडल के बंटवारे भी दिल्ली के अंदर जाके हो रहा है, एक एक फूंक फूंक के कदम रखे। तो भाइयों तैयारी कर लो, कर्ज माफी की घोषणा बीजेपी ने भी करी थी 50,000 की, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, और कांग्रेस ने 2 लाख की घोषणा करी डिफॉल्टर की। हमारी मांग है संपूर्ण कर्जा राजस्थान का माफ हो, इसके लिए सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा जो होगी तो विधानसभा के फ्लोर पे हम सब मिलके, हम सब किसान के बैठे हैं, चाहे नागौर से मोहन जी बीजेपी जीत गए, रूप जी बीजेपी से, विजयपाल कांग्रेस से, मैं RLP से हूँ, लेकिन हमारी सोच सबकी यही रहेगी कि किसानों को न्याय मिले। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो हमारी मजबूती किसी काम की नहीं, और आप मजबूत होंगे तो हमें मजबूत कर दोगे। पहले हम ये कोशिश करेंगे कि अन्नदाता ऋण मुक्त हो, टोल फ्री राजस्थान हो, कानून का राज हो, रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटे सड़कों में निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, अपराध मुक्त राजस्थान हो और मजबूत लोकपाल हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, इस जन आंदोलन को
और मजबूती से हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। अगर दिल्ली कूच की आवश्यकता पड़ी तो एक दिन दिल्ली की तरफ भी कूच कर लेंगे और दिल्ली में ऐसा रैला करेंगे जो न तो आज तक हुआ और न होगा, क्योंकि हमारे रैले तो सबसे बड़े ही हैं राजस्थान के अंदर। तो मैं मेरे भाइयों को इतना ही आश्वस्त करता हूँ, आज शहादत दिवस हम सब ने ये वीरों की धरती है नागौर की, ये वो धरती है जहाँ वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करके अपने समाज का नाम रोशन किया और गौ माता की रक्षा का असली किसान और वचन पे उन्होंने वचन निभाया 1000 साल पहले कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी का भक्त है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो निश्चित रूप से तेजाजी का आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। देखारा लखनऊ तक चला गया और दिल्ली के अंदर बैठे नेता भी तेजाजी की जय बोलने शुरू हो गए और आगे धीरे धीरे और जोश के साथ ये जयकारा बढ़ेगा। मैं आपको यही आश्वस्त करता हूँ कि वीर तेजाजी की पावन धरती है मीराबाई की, जिसने कृष्ण भगवान को मीराबाई ने जीत कर ली और कृष्ण को अपने प्रेम के मोह के अंदर बांध दिया, तो ये मृणता की पावन धरती है। और ये विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो लड़ता है वही वीर होता है। और यहाँ की धरती के लाडलों ने हमेशा विकट विपरीत परिस्थितियाँ, चाहे अकाल हो, अंग्रेज हो, चाहे जागीरदार हो या दूसरा चुनाव हो, हर समय आपने गरीब का साथ दिया और अमीर को घर बिठाया। फिर नागौर के जवानों ने हुंकार भरी और लोकसभा चुनाव आने वाले, आप चिंता मत करो, पूरे जोश के साथ, उस समय समय कम मिला था, अब तो पूरा 5 महीने का टाइम है, 5 महीने के अंदर ऐसी बिसात बिछा देंगे कि वही वेंटिलेटर और वही दोनों तैयार है राजस्थान के अंदर। आप लोग तैयार हो जाओ, हम अच्छे लोगों को चाहते हैं लोकसभा में भी ऐसे लोग चुन के जाए जो तेजाजी का जयकारा लोकसभा के अंदर बोल, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं। हमारा किसी से भेदभाव नहीं, किसी पार्टी से नहीं, मैं तो सबके साथ रहा हूँ और सबकी मदद करने का मैंने प्रयास भी किया। पिछली बार हमारे समाज के जो विधायक थे उनकी संख्या 27-27 थी, इस बार मैं 40 तक ले गया और जो ज़्यादा विरोध कर रहे थे वो 29-30 थे, उनको 13 तक ले रखा। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ेगा, मुझे कोई मंत्री मंत्री का लालच तो है नहीं, होता तो मैं तो मेरा जब मन होगा तो मैं 8 घंटे के अंदर मंत्री की शपथ ले लूंगा, मेरा मन नहीं है मंत्री बनने का। मैं तो चाहता हूँ कि असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, ये मेरी सोच है राजस्थान के अंदर। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता के शिखर पे तेजाजी का असली भक्त को बिठाएंगे। मैं तो RLP के अंदर था, मैंने कहा भाई गहलोत और पायलट की बात चली, मैंने कहा हमें तो तेजाजी का भक्त चाहिए, गहलोत से तो पायलट अच्छा, पायलट को मदद करी मैंने राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा। मैंने कहा 3 और 2 5 अगर बनाना है तो अशोक गहलोत को हमने देखा, 2 कार्यकाल, 2 वसुंधरा के भी देखे, मिलाजुली का खेल था राजस्थान के अंदर, हमने कहा नहीं कुछ नया होना चाहिए, नौजवान आना चाहिए आगे। तो मैं तो जो कहता हूँ वो करता हूँ और मैं परवाह भी नहीं करता। इसी का परिणाम है कि 36 कौम के लोगों ने मेरा 3री बार लाइसेंस रिन्यू करके मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। पहले मैं अकेला था, अब 2 साथ में और भेज दिए, इंद्रांश जी और पुखराज जी, और पुखराज जी आज भाषण थोड़ा सुस्त दे रहे थे, इनको इस बार डोज बढ़िया देकर विधानसभा तैयार करेंगे। ये क्या इंजीनियर रहे हुए ना, तो नौकरी किए मैं, इनको मैं कहता हूँ आप MLA बन गए, अब एक्शन थोड़ी डर जाते हैं नेताओं के साथ बैठने, अब इनका हौसला मजबूत करेंगे। अब आप नौकरी में नहीं हो, अब आप जनप्रतिनिधि हो, तो मजबूती से हमें हमारी बात कहनी है और निश्चित रूप से धीरे धीरे आप मंझे हुए खिलाड़ी की तरह मजबूती, क्योंकि ये भोपालगढ़ की जो धरती है, यहाँ बड़े किसान नेता भोपालगढ़ की धरती में दिए, तो ये वीर भूमि है भोपालगढ़ की, जिन्होंने विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर इनको चुनाव जिताया, मेड़ता की धरती में अपना प्रतिनिधि तय कर दिया, जवानों ने ऐसी हुकार भरी कि कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की जो जमान जब्त हो गई थी मेड़ता के अंदर, और BJP का जो आपने इलाज कर दिया, तो मेरे भाइयों मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ हम सब साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ BJP, कांग्रेस और RLP के जो MLA बैठे हैं, हम सब आपको सबकी तरफ से मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब भी किसानों को और हमारे समाज को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी को भुला के आपके लिए लड़ने के लिए, अगर ठंड में सड़क पर बैठना पड़ा सड़क पर बैठेंगे। मैं तो वो लड़ाका हूँ जब सरकार ने शपथ ली थी 2013 के अंदर, और शपथ लेने के 3 दिन बाद ही नागौर के कलेक्ट्रेट पे
ऐसी लड़ाई लड़ी जो राजस्थान के अंदर कोई नहीं लड़ सकता, और 42 दिन के अंदर जीती वसुंधरा को बैक फुट पे लाके और किसानों का जय जयकार करा दिया, सारी बिजनेस भगा दी थी। आपको बिजनेस की टीम भी आ रही है, आप चिंता मत करो, वैसे तो आप भगा दोगे उनको, अगर नहीं भागे कोई सीट भर भी जाए तो आनंद फान में घबराने की जरूरत नहीं, सीट मेरे पास लेके आ जाना, आपकी मत करो फाड़ के फाड़ कर लेते हो। आपको भूख मिलने की बात करते हैं, बिजली खाने खत्म होने चाहिए राजस्थान के अंदर, और बिजली उत्पादन में राजस्थान एक नंबर की ओर जा रहा है। ये रूपाराम जी ने पहले कई बातें मेरे से पहले आपको बताई होगी सारी आधा घंटे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिन मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी है उन मुद्दों पे आपकी जय जयकार कराएंगे। आम आदमी, गरीब आदमी, डाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, इस बात के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं तो हमेशा आपको एक बात कही है, आप थक जाओ उस दिन मुझे बता देना, मैं घर बैठ जाऊंगा, और आप अगर हिम्मत रखोगे हनुमान बेनीवाल लड़ता रहेगा, और लड़ते लड़ते मैं देखो बीच में नहीं रहना चाहता, मैं ये तो जीरो और या हीरो दो ही रहना चाहता हूँ, ये बीच वाला मामला मेरे बैठता नहीं। अभी रूप जी कह रहे यार शायद सेठ कौन हो बैठे, मेरे आला कमान मेरे एडजस्टमेंट बैठता है, मैं तो मेरा आला कमान मेरी जनता है, जो ये कहते हैं मैं वही करता हूँ, नेता मुझे उठ बैठ करवाए ये मैं नहीं निकाल सकता, ये मेरे दिक्कत है बड़ी, इसलिए मैं जिद्दी हूँ, और जाट वैसे जिद्दी होता है, और जो जिद्दी होता है वही परिवर्तन करता है। इतिहास अपने वीरों से अटा पड़ा है, इस दिल्ली की सल्तनत को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लंबी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो जाट शूरवीरों ने, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश और भरतपुर के राजाओं ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि आज भी इतिहास के पन्ने उठा के देखोगे तो हमारे कौम की गौरव गाथा है, इतिहास के पन्नों पर अटी पड़ी है। भाइयों ये तो इतिहास लिखने वालों ने सही नहीं लिखा, मैं तो आपको एक बात कहता था कि अगर सरकार हमारी बन जाए तो इतिहास को भी पुनः ढंग से लिखना होगा, गड़बड़ हो रखा है इतिहास को, हमारे पता नहीं कितने तो देवता दूसरे लोग ले गए, और कितने देवता जिनका आता पता ही नहीं है उनके तय जैसे कर दिए, और हमारे जो देव है उनकी स्टेट और देश के अंदर जो सम्मान मिलना थी वो नहीं मिला, इसका कारण यही था। लड़ाई तो हमने लड़ी और खाते में किसी और के लिख दी, कोई दारू पी के पड़ गया उसको शहीद कह दिया, और किसी के घोड़ी लगी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये कैसी विडंबना है कि 62-71 और कारगिल के शहीद परिवारों को भी आज तक सरकार ने पूरा पैकेज नहीं दिया, शहीद बेवाएं और उनके पुत्र आज भी मुख्यमंत्री और गवर्नर से मिलने के लिए लाइन पर खड़े रहते हैं, इससे बड़ा शहीदों का अपमान नहीं हो सकता। मैं एक ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, हम शहीद परिवारों के भी लड़ाई लड़ेंगे, जितने भी शहीदों के चाहे नौकरी के मामले हो चाहे अलॉटमेंट के मामले हो, जहाँ शहीद परिवारों को पैकेज नहीं मिला वो पूरा पैकेज राजस्थान की सरकार से लड़के हम दिलवाएंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ शानदार तरीके से कार्यक्रम के अंदर आए, सरपंच साहब को विशेषकर, और सारी जो कड़वासरों की जानी ग्राम पंचायत है इन सबको, 36 कौम के मेरे भाइयों का हृदय से आभार कि आपने शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और पुत्र हिमांशु है इसको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, मेरा छोटा ये बच्चे की तरह ये आगे बढ़े, हम सबको इस बच्चे का ध्यान रखना, ये भी मजबूती के साथ ये बच्चा आगे बढ़े। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी दूंगा, दानदाताओं को दूंगा जिन्होंने मदद, मेरी तरफ से भी मैं शहीद परिवार को 51,000 रुपये मेरी तरफ से, बाकी MLA साहब तो क्या अपने मेहमान है सारे दूसरे वाले, इनसे आज नहीं करवाना, नहीं करवाना ठीक है ना, इनका मन सबका है लेकिन मैंने अब ये कह रहे और कभी देते हैं कोई नहीं बुला ले। एक जो यहाँ की 3-4 आपके इलाके की जो सड़कें थी आचार संहिता की वजह से वो रुक गई, उनका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया और 1-2 दिन में इनका काम चालू कराएंगे। जो प्रमुख सड़कें थी योग संयोग से अटकी रह गई, ये नातों की डाणी की सड़क ये से बिजलीघर सांगों की डाणी से नातों की डाणी 2.5 किलोमीटर सड़क है, इसका 1-2 दिन में 3 किलोमीटर काम चालू हो जाएगा। सुकाराम जी उप सरपंच के घर से कुमारों की डाणी तक 800 मीटर इसका भी काम 1-2 दिन चालू हो जाएगा। सांगों की ढाणी से सेवरों की ढाणी 3 किलोमीटर और सेवरों की ढाणी से डुकियों की ढाणी 1 किलोमीटर ये भी स्वीकृत निकाल दी, ये सारे काम जल्दी आपके चालू हो जाएंगे। और एक मांग यहाँ से आई है
कि घोषणा करो। देखो घोषणा तो अशोक गहलोत करते हैं, मैं नहीं करता। यह आई है कि सेम्पिया नाडा से सेवरों की ढाणी तक 2 किलोमीटर सड़क, वो 2 किलोमीटर सड़क भी बनवा देंगे आपकी। थोड़ा टाइम लग सकता है 10-20 दिन महीने का। आप जानते हो ना कि विकास करते करते हमें लड़ाई याद आ जाती है, तो विकास को छोड़ कर लड़ने के लिए निकल पड़े। वो तो शहीद के नाम होगी अपने आप में, जब शहीद के पास से निकलेगी तो शहीद के नाम में होगी। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ये सारी सड़कें आपके अतिशीघ्र बन जाएगी। आप सबने मेरा सहयोग किया, गोटन से भी हमारे यहाँ सारे भाई लोग जो मेड़ता क्षेत्र से बैठे हैं इनको भी धन्यवाद। वोट ये मेड़ता के अंदर देते हैं, लेकिन मजबूती मेरी पैरेदारी भी यहाँ करते हैं और मेरी संभाल करते हैं। इसके लिए मेड़ता वालों को भी, गोपालगढ़ वालों को भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, नौकरियाँ अब सरकार को देनी पड़ेगी। अब सरकार लंबे समय तक घोषणा पत्रों के अंदर जो घोषणा करती है उसका छलावा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि आपके रखवाले राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा को ठप करेंगे, नहीं तो राजस्थान की सड़कें तो चाहे जब ठप कर देंगे वो तो अपने हाथ के अंदर ही है। तैयारी कर लो, आने वाला समय आपका है। जिस तरह नागौर में तेजा जी के भक्तों की आंधी इस बार जीत दर्ज की है, वो दिन भी होगा जब राजस्थान में इसी तरह हमारे लोग जीत के, जो समाज और किसान जिनके लिए बड़ी बात है, पार्टियों से आगे बढ़ के जो समाज किसान का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग राजस्थान का क्षेत्र जीतेंगे। सब हमारे नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं हम सब आज एक साथ बैठे हैं। पहला मौका मिला कि सारे के सारे में एक साथ बैठे हैं, तो सबको मैं धन्यवाद दूंगा। भोपालगढ़, मेड़ता, डेगाना, मकराना, नागौर के विधायक महोदय जितने भी, आप सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम के अंदर आए, आप सबका स्वागत। और फिर विधानसभा के अंदर हम सब दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हनुमान जी धन्यवाद।